गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 6 बज चुके, 6:05 होगी और सुबह का हमारा रूटीन हो गया है शुरू। और बच्चे जाएंगे स्कूल, मैं बनाने लग रही हूँ इनके लिए खाना। खाने में आज बनेंगे चने की सब्जी। आलू और चने बॉईल हो चुके हैं, ये रखे हैं, देखिए ये रख दिए थे काफी देर हो गया। आलू इसमें छील कर डाल दिए थे, चने रात मैंने भिगोए थे वो रख दिए। ये तो बॉईल हो गए, अब मुझे लगाना तड़का। इधर मैंने तड़के की तैयारी कर ली है, टमाटर वगैरह बस चॉप कर लूंगी, प्याज कर लिया है इसमें मैंने, मतलब काट के डाल लिया, अभी चॉप नहीं करी। यहाँ मुझे तड़का लगाना था तो अभी अभी मेरे पास तेल हो रहा खत्म। ऊपर कैनी है ना जो तेल की, उसमें से निकालना था तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रुक रही हूँ। और इसके पापा को बोल दिया मैंने तेल निकालने के लिए, लिया एक कटोरी दे दे चिल्लाता पहली बार के ना। अरे इसलिए मैं नहीं निकालती, इसमें ही रखा, वहां गिर गया। हाँ। तो आप परात रखी नहीं थी, वहां इसी में रख लेते ऊपर ही बड़ी वाली, हर बार छलकता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर ले आई है तेल निकाल के, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी, मतलब तेल निकल जाएगा, तड़का तभी लगाऊंगी क्योंकि मैं तेल में ही लगाती हूँ। और यूजी हम करते हैं तेल या रिफाइन वगैरह, कुछ भी यूज नहीं करते। तो यहाँ फटाफट से बस सब्जी बना देती हूँ, बना के दिखाऊंगी आपको। और इधर बच्चे भी उठ गए, बच्चे अपना कर रहे हैं तैयारी, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। है गुड मॉर्निंग। और सुबह को थोड़ा ना आलस आता है बच्चों को उठते हैं, ईशु को तो यूं लगे बस थोड़ी सी देर और सो जाऊं, बस पापा थोड़ी सी देर और सो जाऊं, बस मम्मा 5 मिनट और रुक जाओ, है ऐसा रहता है। बस अभी तो 1 घंटा है, तो बच्चे जब तक अपना रेडी हो जाएंगे नहा धो के, तब तक मैं अपना खाना बना के इनका तैयार कर देती हूँ, लंच वगैरह पैक कर दूंगी। तो जी लगती हूँ, बस अपना सबसे पहला काम यही है सुबह ही सुबह, फिर बना के आपको फिर मिलूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार होगी। सब्जी क्या, खाना मैंने बना दिया है, रोटी भी सेक दी, बच्चों को दे दिया है, लंच देखिए दोनों का पैक हो चुका है ये रहा। और इसमें यीशु का कर दिया वाटरमेलन, और आज वो अच्छा नहीं निकला, लेकिन वो कह रही कि मुझे ले जाना, इसके पापा तो ना ही कर रहे। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों का लंच तैयार है, बोतल वगैरह सब कुछ। और बस अब रह गया है कंघी करना दोनों का, और 15 मिनट रह गई, अब दोनों की कंघी कर देती हूँ। ईशु रेडी है, और ईशु सुबह ही नाश्ते में ले रही है चने, ये हेल्दी फूड खाती करती है। हाँ हेल्दी फूड है इसका आज सुबह, है ना ईशु? ऐसा वैसा खाना तो ईशु खाती ही नहीं, है ना, जंक फूड वगैरह तो बिल्कुल भी छूती नहीं। और आते ही स्कूल से शुरू हो जा, बस मम्मी कुछ खाना कुछ खाना, रोटी खानी अलग, नुगे वो तो अलग है, चिज्जी वाला पेट खाली है इसका। तो मैं इनकी कंघी कर दूं पहले। देखिए जी बच्चे दोनों हो गए हैं रेडी, हैंकी ले लिया बेटा ईशु ने, ईशु ना ज्यादातर भूल जाती है, यहाँ कोई सा ले लो लंच बॉक्स, बस फ्रूट्स वाला अलग है, रखो अपना अपना। और हाँ, और इधर ये रखने लगे हैं ये गेहूं जो लिए थे, ऊपर ही रखोगे ना सारा। अभी तो 5 मिनट है, 7:05 बजे। तो इनको गेहूं को रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फिर पानी पूनी की दिक्कत रहती है, यहाँ धोया भी जब तक मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है उस दिन से, ये पड़े गेहूं इस वजह से, तो इनको ऊपर रखने है गेहूं को। पौड़ियों पर भी रखोगे क्या, 1-2 कट्टा? हाँ 2 गट्टे रख दियो यहाँ पे, फिर ज्यादा हो जाएगा ऊपर, वरना रुक जा के नहीं है आ लग रहे हैं आराम से, इसमें तो वजन होगा बहुत, तो 50 किलो ये थोड़ा है आराम से। तो जी यहाँ बस चल दिए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, ईशु बैग दे दिला, और मैं इसके पापा दोनों जाएंगे, क्योंकि हम फिर उधर से उधर घूमने भी चले जाते हैं साथ साथ ही बच्चों को छोड़ के, तो हम उधर घूमने निकल जाएंगे। वो तो चल दिए, ला गुड्डू मुझे दे दे बैग, और कन्हैया यहीं से, कन्हैया करेगा अपना काम। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घूम के, आके बस वही अपना पूजा पाठ किया, आके नहा धो के, और फिर बनाया नाश्ता। और नाश्ता देखिए
सबने कर लिया, कन्हैया भी करके चला गया दुकान पे, इसके पापा भी अपना काम करने लगे। तो यहाँ पे मैं भी ले आई हूँ अपनी प्लेट, अब मैं भी करूँगी नाश्ता, आप भी कर लीजिए आके। जैसा कि आपको पता ही, आज चने की सब्जी बनाई है, रोटी और चाय। तो सुबह ही यही है सबका ब्रेकफास्ट, और बस मैं करके फिर लगूँगी काम पे, क्योंकि काम अभी सारा ऐसा ही पड़ा, बस नाश्ता करके फिर लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो गया है नीचे, और मैं आई थी अभी ऊपर अपने किचन के जो कपड़े ये धोए थे मैंने, ये फैलाने। और आज मौसम ना थोड़ा अजीब सा हो रहा, धूप तो हो रही लेकिन यूँ लग रहा जैसा कि मौसम ख़राब हो सकता है, ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा। तो बस मौसम ये फैला दिए, बाकी कपड़े अभी मैंने नहीं धोए, शाम के टाइम धोऊंगी मैं कपड़े। और अभी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर देती हूँ, काम तो हो ही गया सारा, और उसके बाद फिर बनाऊंगी दोपहर का खाना। तो जी, दोपहर का समय हो गया, 2 बज चुके हैं, और खाना मैंने बना के तैयार कर दिया है। खाने में जो सब्जी सुबह चने वाली बनाई थी वही है, अब मैंने चावल बनाए हैं और रोटी बनाई, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, आपको दिखाई थी ना ये आलू चने की सब्जी। तो बस अब मैं इनको दे दूंगी, दोनों भाइयों का खाना लगा के तैयार कर दिया, कन्हैया भी आ गया, बल्कि वे तो अभी ना कर रहे हैं कि अभी नहीं खाना, क्योंकि उनका वर्क थोड़ा चल रहा है शायद ऑफिस का, इस वजह से। तो यहाँ बस मैं कन्हैया को दे दूं और उनको थोड़ी देर में दूंगी। गुड्डू बेटा तू भी खा ले। हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ आप भी खाना खा लो, खाना खा लो। तो यहाँ बस ये क्या कह रहे हैं, आ रहे अभी थोड़ी देर में, टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा, तो मैं अभी बिजी है, उन्होंने बोला कन्हैया ही गया था कहने के लिए, तो वे कह रहे हैं थोड़ी देर में खाऊंगे, तो थोड़ी देर वेट करते हैं उनका, जब मैं खाएंगे तभी मैं खाऊंगी, और गुड्डू खा लेगी तब तक। गुड्डू बेटा खा ले। तो फ्रेंड्स, सब हो गया है शाम का टाइम, और बच्चे अपना कर रहे हैं पढ़ाई, और गुड्डू जाएगी अब ट्यूशन, वो होने लग रही तैयार। तो मैं सोच रही कि लाऊं मैं इसके लिए थोड़ा सा बनाना शेक बना दूं, क्योंकि वो फिर लेट आती है, उसको भूख लगी रहती है, और खाना भी काफी देर पहले खाया था उसने। तो यहाँ मैं बना के दे देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बनाना शेक बन के तैयार हो चुका है, और अब मैंने ये अपने लिए और इसके पापा के लिए बनाया है, क्योंकि पहले बस बच्चों के लिए बनाया था, वो मैंने मेरे याद भी नहीं रहा था फिर दिखाना आपको, तो क्योंकि गुड्डू को जब ट्यूशन जाना था जल्दी जल्दी, इसलिए बनाया था। तो यहाँ ये आ गए हैं अपना फ्री होके, तो मैं कहा चलो अब दे देती हूँ इनको बना के। ईशू ने बनाना शेक, ईशू का तो दूसरा भी चल गया, अब वो पी लिया था पहले, अब इसका फ्रूट टाइम हो गया, तो ये रखा वाटरमेलन, जब तक ये खत्म नहीं होने का ये इसे ही खाएगी, है ना ईशू, ऐसा पसंद है, गुड्डू नहीं खाती इतना, ये ही खाए, पानी नहीं पीना, पूछ रही थी आज मम्मी इसके ऊपर पानी क्यों नहीं पीते, मैं कहा नहीं पीते नहीं, देखियो मीठा वगैरह ठीक है क्या, इन्हें तो दोनों तीनों को दे दिया था मैंने, नहीं ठंडा तो डाला नहीं, दूध दूध डाला, पानी पूनी कुछ नहीं डाला, ठीक है।
चलो जी मैं भी पी लेती हूँ। मेरे कपड़े सारे प्रेस हो चुके हैं, ये रखे आज कई दिन में हुए, कई दिन से थोड़े थोड़े खाली थे, फिर धुले थे, फिर यहाँ इकट्ठे हो जाते, तो कई दिन में आज ये कुर्सी खाली हुई तो ये कर दिए मैंने और अब इनको रख दूंगी। तो जी अभी आए हैं हम ऊपर घूमने के लिए और मौसम हो रहा है बिल्कुल सुहाना, बारिश तो हो नहीं रही लेकिन हो रहा है, ऐसा ही कि बारिश हो सकती है आज, ऐसा ही जैसा हवा सी आने वाली नहीं होती ऐसा मौसम हो रहा जिस तरह जिस तरह बहुत जवाब है उसको पहले हो जाए ऐसा हो रहा। और इनमें पानी तो दे दो कुल्लों में तो सूखे पड़े सुबह भी आता दोनों टाइम। और दिखा दूँ आपको जो फ्लावर है ना रोज वाले, इनके कलर भी बेचारों के धूप में फेड हो गए, धूप तेज है देख ले रेड है ये, अब ये देखो कैसा हो रहा है, हाँ सूख जावे दो चार दिन भाई, अरे ये तो अभी अच्छे से खिला भी नहीं, देखो जल गया रही बस, ये हो रहा धूप तेज है। इनके ऊपर वही लगा दो ग्रीन पर्दा सा, ग्रीन कपड़ा, इस पर बहुत कली आ रही इस वाले पे, दो चार फूल, ये तो सुबह खिल रहा था बंद हो गया, आज धूप नहीं है ना, धूप में ज्यादा खिले, आज सुबह दो थे, एक मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था और एक यो बंद हो गया क्योंकि आज धूप कम है, ये धूप में ही खिला, हाँ खिलेंगे कल को खिल जाएगा, यो बहुत सारी हो रही इस पर तो कली, कम से कम 10-15 कली 200 ही होंगी, हाँ बस और तो सारे ऐसे ही हो रहे पेड़। ये रोज लिया था वो कहता चाइनीज रोज है ये, अरे इस पर फूल आवेंगे, इस पर पता ही नहीं ये सूख सी गया शायद, पता नहीं आवेंगे नहीं आवेंगे। सो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और मम्मा बना रही है डिनर और पापा अभी ऑफिस से आ गए थे 6 बजे तो वे अब देख रहे हैं टीवी और दीदी कर रही है पढ़ाई कमरे में बैठ के और मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। मैं देखती हूँ मम्मा ने क्या बनाया है, मम्मा क्या बनाया आपने? मैंने बताऊँ? लौकी। यीशु को तो बहुत पसंद है ना लौकी? नहीं यीशु लौकी नहीं खाती इसलिए ना कन्हैया खाता ना यीशु खाती, तो दोनों के लिए चने की सब्जी है दोपहर वाली और अभी जो खाएंगे तो नहीं है तो फिर भी थोड़ी बहुत ही खा लेता है यीशु खाती। और मैंने बनाई है लौकी की सब्जी और रोटी, कल भी तो लौकी बनाई नहीं बेटे कल तोरी बनाई थी वो भी नहीं खाई थी तुमने बस ये, फिर अगर कुछ और सब्जी ना हो ना फिर क्या कहती है कि बस मैं नहीं खाती मुझे भूख नहीं फिर ही बोल देती है, कल इसने खाना नहीं खाया तोरी बनने की वजह से। और बताओ अलग अलग क्या क्या बनाऊ इनके लिए सारा दिन, दाल बना लो राजमा बना लो छोले बना लो सैंडविच बना लो बस यही खा ले बेटे, सब बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल भी खानी चाहिए जरूर। मैं खाता तो हूँ भिंडी शिमला मिर्च, हाँ तो सब्जी सारी चीज खानी चाहिए एक दिन तो अपने आप ही कह रही थी कि अब मैं बस प्याज लहसुन कुछ नहीं देख लेगी, तो मैं कहाँ देखती मैं तो लौकी को देख रही सारी चीज खाना बन गया, खाना अपने पापा को भी दे दे, दीदी को बोल दे दीदी खा लो खाना और अपने पापा को दे और तू खा, ठीक है? मेरा प्लान तो मैक्रोनी खाने का था, हाँ बस तुझे तो ये चटोर पर नहीं चावे रोज की रोज मैक्रोनी वगैरह कुछ नहीं मिलता बेटा, सिंपल खाना खाते है ये नुकसान देती है सारी चीजें, संडे को मिलेगी मैक्रोनी, ठीक है?